हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर बोले सीएम योगी, सरकार को बदनाम करने की हो सकती है विपक्षी पार्टियों की साजिश। मृतकों को 2-2 लाख तथा इलाजरत पीड़ितों को 50,000 रुपए सरकार देगी आर्थिक मदद। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टेस्ट मैच में भारत ने फ्रांस ए को 3-2 से दिया मात। 4 मैचों की श्रृंखला 1-1 से हुई बराबर। भारतीय कप्तान ने कहा, सोच कर आए थे कि आज इनको है हराना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित भारत एवं फ्रांस की महिला टीमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के समापन कार्यक्रम में विजयी भारतीय टीमों को दी बधाई। कहा, गोरखपुर में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित कराने के लिए सभी लोग बधाई के हैं पात्र। संचारी रोग के लिए घर घर दस्तक अभियान की मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। गोरखनाथ मंदिर में दस्तक अभियान की 33 गाड़ियों को दिखाया हरी झंडी। सीएम ने कहा, रोगों से बचाव के लिए चलाया जा रहा है अभियान। गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं ने लिया शपथ। योगी ने कहा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार कर रही है कार्य। एएसपी के नेतृत्व में चिरुआताल पुलिस ने कच्ची शराब के ठिकानों पर मारा छापा। 2 कारोबारियों सहित भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद। एएसपी ने कहा, जारी रहेगा अभियान। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूसण में आयोजित हुआ समावर्तन संस्कार समारोह। दिलाया गया छात्र छात्राओं को समावर्तन उपदेश और संकल्प। सीएम योगी ने कहा, जीवन में परिश्रम और पुरुषार्थ का नहीं है कोई विकल्प। बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती पूजन एवं विद्यारम्भ संस्कार हुआ सम्पन्न। 150 शिशुओं का हुआ विद्यारम्भ संस्कार। और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ स्कूल का वार्षिकोत्सव। छात्रों ने लगाई विज्ञान प्रदर्शनी, लोगों ने की सराहना।